बस की हालत बहुत खराब थी सर। बस को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कोई बच्चा बच्चा होगा। मैं जब सुबह गया हॉस्पिटल, मुझे मैंने बच्चों की डेड बॉडी देखी, देखी नहीं जा रही थी। वो ड्राइवर जो है शराब पी के बिल्कुल नशे में था। मेयर फेलियर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, गवर्नमेंट का भी, कि छुट्टी के दिन भी स्कूल का संचालन हुआ है। जरूर इंक्वायरी। A horrific bus accident took place in Haryana's Mahendragarh on April 11, sending shockwaves across India. At least 5 students were killed and 15 were rendered injured after a private school bus overturned in the Kanina town. The injured were rushed to a nearby hospital following the horrific road tragedy. As per police, the driver was driving the bus under the influence of alcohol. One of the parents and other locals also claimed that the driver was drunk while driving. Bus ki halat bahut kharab thi sir. Bus ko dekh ke aisa nahi lag raha tha koi bachcha bachcha hoga. Bus ki condition bahut kharab thi wahan. Wo driver jo hai sharab pi ke bilkul nashe mein tha. ये एक्सीडेंट नहीं है, जानबूझ के किया हुआ। हमने पहले भी स्कूल को चेता है इस बारे में, उसकी कई बार शिकायत लगी है। वो दारू पीकर गफलत करके थर्ड से किया है जी। ये एक्सीडेंट नहीं, हादसा है। उन्होंने थर्ड से इनके सबके ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए संस्था के ऊपर और सभी जितने प्रशासन की। अब जी प्रशासन आश्वासन दे रहा, प्रशासन ने अपने वाली कार्रवाई कर दी है, पर कार्रवाई का तभी पता चलेगा जब इनका सभी काम सील होगा। जब हमें जब सबर आएगा, जब संस्था भी सील होगी, इनके 302 का मुकदमा दर्ज होगा सभी के। इन्होंने एक एक जिनके बच्चे एक एक बच्चे थे उनका घर उजाड़ दिया जी। ये सिर्फ उनकी गफलत के कारण उजड़ा, संस्था की गफलत के कारण ये हादसा हुआ है जी। One of the relatives of deceased child said the school administration was made aware of the drinking habit of the driver. मेरी सरकार से और प्रशासन से ये निवेदन है कि इस स्कूल के ऊपर कार्रवाई की जाए, ठीक, और ऐसे स्कूलों के मापदंड तय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। अब जिन बच्चों के ये हादसा हुआ है उनके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी। और एक बात और भी है, इस स्कूल के जो प्रिंसिपल को पहले अवगत करवा दिया गया था, 6 महीने पहले भी अवगत करवा दिया गया था, 2 महीने पहले भी ये बता दिया गया था और आज भी ये बता दिया गया था कि स्कूल के जो बस का जो ड्राइवर उसने वाइन ले रखी है, शराब पी रखी है। उसके बावजूद भी प्रिंसिपल से बातचीत की गई थी, प्रिंसिपल ने यही कहा कि भाई इसने ले रखी है, कोई बात नहीं, इस बस को आहिस्ता आहिस्ता ले आएगा। नहीं तो होना ये चाहिए था प्रिंसिपल का जवाब कि इस बस के ड्राइवर को यहीं रोक लो और बस को आप यहीं रोक लो, मैं दूसरी बस भेजता हूँ या दूसरे बस के ड्राइवर को भेजता हूँ, वो इन बच्चों को लेकर जाएगा। लेकिन इस मामले में यहाँ पूरी नेग्लिजेंसी हुई है। अगर वो इस हादसे पे इस समय वो कदम उठा लेते तो शायद इस हादसे का पुनरावृत्ति नहीं हो। On the other hand, another relative of deceased child raised questions on government and school administration. मेरे पास आज ज्यादा बोलने को कुछ है नहीं, मतलब सवाल तो है ना, प्रशासन से भी है, बच्चों के माँ बाप से भी है, स्कूल से भी है और हर उस आदमी से है जो बच्चों के भविष्य के निर्माण में जुड़ा हुआ है। मैं जब सुबह गया हॉस्पिटल और जब मैंने बच्चों की डेड बॉडी देखी, देखी नहीं जा रही थी, मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो माँ बाप खुशियाँ मनाता है और जब आज के दिन ये बच्चा जाता है, आप जिन लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं ये लोग रोएंगे नहीं, आदमी ये रोएगा कैसे। लेकिन आप जब अंदर इसकी माँ के पास जाओगे तो आपको दिखेगा। और आज के हादसे से ये नहीं होता, हमने तो चलो खो दिया अपना बच्चा, जरूरी सवाल ये है कि आज के बाद फिर कोई हादसा होगा तो क्या होगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। हर आदमी जिम्मेदार है। जब माँ बाप स्कूल में जाते हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि स्कूल की पॉलिसी क्या है, किस तरह से स्कूल अपने आप को चला रहा है। जब वहाँ के लोकल प्रशासन है उनको देखना चाहिए कि वहाँ पर हर तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अभी कहने को सब हाथ जोड़ने के लिए और सब नमन करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन क्या कल के बाद वो इस चीज़ पे ध्यान देंगे? फिलहाल जो सरकार है, आने वाली जो सरकार है, क्या कोई इस चीज़ पे ध्यान देगी? अगर ये हादसा फिर होता है पूरे भारत में कहीं भी, सबसे ज़रूरी सवाल माँ बाप के ऊपर है, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर है, प्रशासन के ऊपर है। अगर ये सारी चीज़ें फिर से रिपीट होती है ना तो बहुत बड़ा सवाल बनता है। इस चीज़ से हमें सीख लेनी चाहिए। हमने अपना बच्चा खो दिया, ठीक है, सब्र कर लेंगे, लेकिन अब सेफ्टी की वजह से किसी को अपना बच्चा खोना
पड़ा वो बहुत बड़ी बात रहेगी। ये बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंचनी चाहिए, हर उस यूट्यूबर तक पहुंचनी चाहिए, आप मीडिया कर्मियों के थ्रू द्वारा हर माँ बाप, हर स्कूल के आदमी, हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। Expressing grief, Prime Minister Modi said that state government is engaged in providing all possible help to victims and their families. Haryana CM Nayab Saini expressed grief over the incident and assured stringent action on the guilty. Mahendragarh Kanina mein school bus ke durghatnagrast hone se main bahut aahat hoon. Meri samvedanaen un sabhi shok santapt parivaron ke saath hain जिन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों के देखभाल के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इस हादसे की जांच करवा करके जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि बच्चों को जो जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, परिवारों को उचित मुआवजा, और जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, घायल हैं, उनके इलाज के लिए भी सरकार पूर्ण रूप से उनकी देखभाल के लिए तैयार है। However, the question of the school being operational on a festival day, Eid, sparked a political row. Former Deputy CM of Haryana Dushyant Chautala raised questions and targeted Haryana government and administration. गंभीर दुर्घटना है, और जिस प्रकार से छुट्टी के दिन इस तरह का इंसिडेंट होना, जिसमें स्कूल का संचालन भी हुआ है और ये भी खबर है कि चाहे ड्राइवर ने अल्कोहल कंज्यूम करी भी थी, ये गंभीर विषय है, और ACS एजुकेशन को तुरंत इस पर इंक्वायरी भी शुरू करनी चाहिए, और इमिडिएटली ट्रांसपोर्ट में भी चेक करना चाहिए कि क्यों इस तरह की दुर्घटना हुई, और आगे लेके ले भी इस तरह के नॉर्म्स में सख्ती करनी चाहिए। साथ के साथ प्रदेश में कितने स्कूल आज चले थे उन सब की भी इंक्वायरी करनी चाहिए। हमने भी हमारे पार्टी के सीनियर कार्यकर्ताओं को वहाँ भेजा है, परिवार को इस घटना के तुरंत बाद जो भी सहयोग मदद हम कर सकते हैं वो हम करेंगे, मगर मेयर फेलियर रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी, गवर्नमेंट का भी, कि छुट्टी के दिन भी स्कूल का संचालन हुआ है, ज़रूर इंक्वायर। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.